छोटा सा फंड रेज कर रहे हैं, वी वांट टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। ओके, व्हाट इज पार्कटेक हब? पार्कटेक हब इज माय कंपनी, इट्स अ स्टार्टअप इटसेल्फ, इट्स अबाउट 8-9 मंथ्स ओल्ड एंड वी सपोर्ट स्टार्टअप्स। बट वन थिंग वी रियलाइज्ड इज के यहाँ पे जो फंड रेजिंग है स्टार्टअप्स की, खासतौर पर जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं, सीड लेवल पे या प्री सीड लेवल पे बहुत मुश्किल से फंडिंग मिलती है। किसी को $50,000 चाहिए, किसी को $100,000 चाहिए। इसी बिल्डिंग के अंदर लोग बैठे हुए हैं, इस बिल्डिंग में और उस बिल्डिंग में, जो जिस वक्त उनको इस वक्त $100,000 की ज़रूरत है और वो अपने स्टार्टअप को अगले लेवल पे ले जाएंगे। अब आप जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे आप कहें कि भाई इस फंड में पैसे डाल दो, मैं आपको 8x रिटर्न देता हूँ 10 साल में। 8x कितने साल में? 10 साल में। 10 ईयर फंड होता है ना। ओके, सो दैट्स ऑलमोस्ट 100% पर ईयर। ओके, अगर एक स्टार्टअप ने भी छक्का लगा दिया बाइक का, तो मेरा सजेशन ये है कि जितने भी लोग ये पैसे वाले सीनियरिटी बिरादरी हैं, दिल्ली वाले हैं, निर्मल हैं, इनको ना फंड का पता है ना स्टार्टअप का पता है, तो आप यहाँ क्या करें कि यहाँ पर आप उनको बुलाएं एज अ गेस्ट स्पीकर। बिल्कुल बिल्कुल, जब वो आएंगे देखेंगे। जब आपने ये बात की तो मैंने ये बात जी, वरना जब तो मैं सोचता ही नहीं इस बात जी, के बारे जब वो आएंगे देखेंगे कि यहाँ होता क्या है, कौन सा मंजन बिकता है, खूबसूरत जगह है, दो तीन दफा आने के बाद समझ आएगा, शायद वो कंफर्ट लेवल बन जाए। पहली दफा में समझ में भी नहीं आएगा, कहेंगे यार ये कुछ गड़बड़ है। और दूसरा ये कि जब आप आके यहाँ पे दिखाएंगे, पहले एक आएगा, फिर दूसरा बिरादरी वाला आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर आपस में बातें करेंगे, तो जस्ट लाइक एनी न्यू आइडिया, अगर हमें कोई नहारी की दुकान का भी बताएगा ना कि यार ये नई दुकान खुली, यार मैं मलिक से खुश हूँ ना, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि यार मैं ज्यादा टेस्टी पे जाऊँ, मेरा काम हो जाता है। इसी तरह एक टेक्सटाइल वाला पैसे बना रहे हैं, तो क्यों इधर उधर उंगली करेगा? तो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि इन्वेस्ट कैसे करना है, उनको इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। आपको आपको मुनीब से मिलाना पड़ेगा, आपको सक्सेस दिखानी पड़ेगी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने बिरादरी के लोगों के यहाँ इवेंट्स रखवाएं, वो आए यहाँ, बड़े लोग आए, बच्चों को बुलाएं। जब तक बंद है कोविड की वजह से, जूम पे करा दें। अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हजरत कोविड अलैहिस्सलाम की वजह से ज्यादातर लोग जूम फ्रेंडली हो गए हैं, तो वो जूम पे करा दें NIC के पेज से, क्योंकि NIC की एक रीच है। लेकिन देख के बगैर NIC को थोड़ा सा, क्योंकि वो फिजिकल वर्ल्ड के लोग हैं, उनको हजम नहीं होगा, तो आप जरूर यहाँ बुलाएं। लेकिन क्योंकि हम पिछले 10-15 साल से ये चीजें गाना गा रहे हैं, तो कुछ कुछ आवाज उनके कान में पड़ रही है, उनके बच्चे भी सुना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ यहाँ टूर्स रखाएंगे, बच्चे तो समझ गए। तो मेरा आपको एज अ NIC मैनेजर या जो भी टाइटल होता है CEO, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे CEO ऑफ कराची चैम्बर बुलाएं, SPCCI के प्रेसिडेंट को बुलाएं, तो एक्चुअली आप कॉल कर दें वो आ जाते हैं। आप सिंपल को, मैं मेयर को यहाँ लेके आया था लास्ट ईयर, तो वो मेयर को यहाँ पे लाने में बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन वो आए, वो उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो आप कराची के, आप कराची के कमिश्नर को लाएं, आप कराची के कमिश्नर को पीछे जो आप कितने प्यारे प्यारे सेंटर्स बने हैं वो दिखाएं, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर को लाएं, UCC के चेयरमैन को लाएं, क्योंकि वो अपने इलाकों के जब इश्यूज इन लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, इनके पास यहाँ सोल्यूशन बनाएंगे, तो आपको भी पता होगा कि एक्चुअल सीरियस इश्यूज क्या हैं। और आप उनको कुछ नहीं चाय पिला दें, बड़े खुशी से आते हैं, और उनको आप अप्रिशिएट करें, उनको रिस्पेक्ट दें। इवन कि वो रिटायर हो गए, वो ज्यादा जल्दी आ जाएंगे क्योंकि आजकल फारे हैं, तो वो अच्छा। लेकिन उनको अपने इलाके के मसाइल का पता है, आप उन मसाइल को लाके डिस्कस करेंगे ना यहाँ पे, और पैनल्स क्रिएट करें, उनको उनको फ्रेंडली करें कि ये भी कोई दुनिया अलग है, वो टेक फ्रेंडली नहीं है, वो मोबाइल फोन व्हाट्सएप पे समझते हैं हमने तो पता नहीं दुनिया कॉन्कर कर लिया। तो स्टार्टअप को बिजनेस भी मिल जाएगा उनके प्रॉब्लम से, फिजिकल बिजनेस। जी जी जी, एक्चुअली जो सबसे बड़ा बिजनेस होगा वो होगा पेरिफेरल बिजनेस, यानी टेक्सटाइल वालों को जो मसाइल आ रहे हैं। आज तक जितनी इंजीनियरिंग है सियालकोट की, वो अभी तक IoT पे नहीं गई है, तो और उनको समझ भी नहीं आता ये IoT कौन सा चमचा होता है। मैं एक बड़े मल्टी बिलियनियर के पास गया सियालकोट, वो खुद खड़े हुए ना चीजें चेक कर रहे थे एक एक पुर्जा, तो मैंने कहा ये आप क्या कर रहे? कहते मैं 12 घंटे यही करता हूँ रोज सुबह, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर खुद खड़े हुए थे। मैंने कहा मैं मशीन लगा देता हूँ, वो आपसे अच्छा, आप तो रिजेक्ट कम करेंगे वो ज्यादा अच्छा पकड़ेगी। कहते ये कैसे होगा? तो उनके साथ समझाया, अगर समझ आ जाएगा तो वो गधे थोड़ी है, पैसे बनाने के लिए बैठे हैं, कोई कोई भी नहीं चाहता।